Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will fine. My name is Riyaz Zeb. I read in class 9. I am student of Khan Academy. आज मैं आपको एग की प्रोटीन मालूम करना सिखाऊंगा. ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और अब हम इसके अंदर एग डालेंगे. एग के एल्बुमेन और उसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे. और इसको अच्छी तरह शेक करेंगे. स्टेनर की मदद से इसको अच्छी तरह शेक करेंगे. और उसके बाद हम इसके अंदर कॉपर सल्फेट डालेंगे. और अगर इसका कलर पर्पल आ गया तो समझे इसके अंदर प्रोटीन है. और आप देख सकते हैं इसके अंदर पर्पल कलर आ गया और डार्क पर्पल है. डार्क पर्पल के अंदर ज्यादा प्रोटीन होती है. अब हम मिल्क की प्रोटीन चेक करेंगे. थोड़ा सा मिल्क डालेंगे टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे. उसे शेक करेंगे. उसके बाद इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट डालेंगे. उसको फिर शेक करेंगे. इसका पर्पल कलर आ गया. इसके अंदर प्रोटीन है. इसके अंदर प्रोटीन है और एक अंदर प्रोटीन है. जिसका डार्क कलर होता है उसका ज़्यादा प्रोटीन होती है और जिसका कम होता है उसके अंदर कम होती है प्रोटीन. टेक केयर. सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज. इस तरह आप किसी भी चीज़ का प्रोटीन, किसी भी फूड का प्रोटीन चेक कर सकते हैं. मिल्क के अंदर प्रोटीन कम होती है और एग के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है. जिसका कलर व्हाइट होता है वो उतनी प्रोटीन कम होती है. जिसका कलर डार्क होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है. वंस अगेन अल्लाह हाफिज.